सेक थीटा अपॉन गिवन है सेक थीटा अपॉन अपोन सेक थीटा अब देखिए सबसे पहले आपको साइन कोर्स में ओपन करना है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सेक थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन रखता है किसके साथ में थीटा के साथ में तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया वन अपोन थीटा इज इक्वल टू वन अपोन थीटा हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन ओपन कर दीजिए कंप्लीट टर्म्स को तो ये क्या बन जाएगा देखिए वन प्लस वन अपोन कोस्टा अपॉन वन अपोन कोस्तीटा यही आएगा ओपन होगा तो शेख थीटा को लिख दिया वन अपोन थीटा अब देखिए एलसीएम लीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम आएगा तो यहाँ पर देखिए क्या आता है एलसीएम नोमिनेटर में आ जाएगा कोस्तीटा एलसीएम तो सोल आउट करोगे तो ये बन जाएगा वन प्लस कोस्तीटा अरे बनेगा नहीं बनेगा वन प्लस कोस्तीटा डाउट नहीं लाना है कोस्तीटा प्लस वन बनेगा तो उसे वन प्लस कोस्टा भी लिख सकते हो आप ऑन नीचे नॉमिनेट डिनोमिनेटर में क्या बनेगा कोस्टा एलसीएम है तो ऑलरेडी है कुछ नहीं है इसमें तो कोस्तीटा है और ऊपर आ गया वन अपोन कोस्टिटा अब देखिए कोस्टिटा से कोस्टिटा कैंसिल आउट हो रहा है यहां तो कर दीजिए कोस से कोस्टिटा हो गया कैंसिल आउट क्या बन गया थीटा अब आपको देखिए जो आर एच एस पार्ट है उसमें चाहिए साइनस का थीटा नीचे वन माइनस थीटा चाहिए तो आपको से मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए वन माइनस थीटा से मल्टीप्लिकेशन कराना है बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन माइनस कोस्थिटा दी मल्टीप्लिकेशन ये लाइन लिखते हो तब भी चलेगा और नहीं लिखोगे तब भी चलेगा डायरेक्ट भी करा सकते हो क्योंकि उसमें कोई डाउट वाली चीज है नहीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन माइनस कोस्टिटा वन माइनस थीटा को जब नॉमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो यहां पर दोनों को करवाता हूं देखिए क्या आता है जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे वन माइनस थीटा से तो नॉमिनेटर में वन प्लस कोसीटा एज इट इज वन माइनस कोसीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जब ऊपर नोमिनेटर में वन माइनस कोसिटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको करवाना है तो वन माइनस कोस्टा अब देखिए आइडेंटिटी लग रही है ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी और क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख दीजिए आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कीजिए यहाँ पे तो ऊपर बन जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीठा क्योंकि वन का स्क्वायर क्या होता है वन ही होता है तो ये बन गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीठा और डिनिनेटर में रह गया वन माइनस कोस थीठा एज इट इज तो वन माइनस कोस थीटा अब देखिए फिर आइडेंटिटी लग रही है पहली आइडेंटिटी बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोश स्क्वायर थीटा इसको टू वन तो अप्लाई कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको टू होता है वन होता है अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आपने वन माइनस कोस थीटा तो यह बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा इसको टू आ गया आरएचएस स्क्वल टू क्या आ गया आर एच एस इट्स प्रूवड इट्स प्रूवड ये तरीका है क्वेश्चन को सोल आउट करने का अंडरस्टैंड कीजिए और ही सोल आउट कीजिए साइन स्क्वायर थीटा आप उन्हें वन माइनस कोस थीटा आ गया आपका तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं जय हिंद जय भारत